इंफॉर्मेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर के अब लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी बात कही है जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, ये झटका इसलिए क्योंकि अब तक यह कहा जा रहा था कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो प्रयास नीतीश कुमार ने किया था उस प्रयास के प्रतिफल के तौर पर नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाया जाएगा और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के संयोजक के रूप में उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और उनके ही संयोजकत्व में इंडिया आगे बढ़कर मोदी सरकार के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन अब लालू यादव के एक बयान ने इन तमाम चीजों को लेकर के नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से बड़ा झटका दिया है। दरअसल लालू यादव ने कहा है कि इंडिया में जो संयोजक का पद है, इस संयोजक के पद को लेकर के अलग किस्म की रणनीति है और इंडिया का कोई एक संयोजक नहीं होगा बल्कि इंडिया में संयोजक पद के लिए एक अलग किस्म की रणनीति बनाई गई है और उसमें अलग अलग तीन चार राज्यों के लिए अलग अलग संयोजक होंगे। दरअसल मौजूदा समय में अगर हम इंडिया की बात करें तो जो बेंगलुरु में आखिरी बैठक हुई थी उस बैठक के दौरान अलग अलग 26 राजनीतिक दलों ने इंडिया की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और ये 26 राजनीतिक दल देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो अब जो बातें लालू यादव ने कही हैं, उन्होंने कहा है कि तीन चार राज्यों को लेकर के एक एक अलग अलग गठित टीम बनाई जाएगी और उसमें उसके लिए एक अलग संयोजक होंगे। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य हैं तो इन्हें एक हिस्से में रखा जाएगा और इनका एक संयोजक तय किया जाएगा। इसी तरीके से अगर पश्चिम भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं तो इन राज्यों के लिए एक अलग संयोजक होगा और ठीक इसी तरीके से पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर भारत तमाम जगहों पर तीन चार राज्यों के लिए एक एक अलग अलग कन्वेनर होंगे यानी कि संयोजक होंगे। तो ऐसे में अब तक जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया जाएगा और उनके ही नेतृत्व में तमाम जो विपक्षी दल हैं वह अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया की अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे और विपक्षी दलों का यह इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी तथा NDA के खिलाफ चुनावी मैदान में अलग अलग तरीके की जो बिसात बिछाएगा वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। तो लालू यादव के अब इस ताज़ा बयान से नीतीश कुमार के लिए एक तरीके का बड़ा झटका लगा है कि संयोजक पद के लिए फिलहाल NDA में कोई जगह नहीं है, यानी कि जो संयोजक का जिम्मा है वह तीन चार राज्यों को लेकर अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जो उन तीन चार राज्यों से वाकिफ नेता होंगे वह जहां पर कि उनका एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय होगा उसके लिए अलग अलग नेता अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर हम जिम्मेदारी निभाएंगे और उन तीन चार राज्यों में अलग अलग जो संयोजक हैं केवल उन राज्यों की जिम्मेदारी देखेंगे और इंडिया का कोई एक संयोजक नहीं होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिन्होंने कि पिछले वर्ष 2022 में बिहार में NDA से अलग होकर के महागठबंधन की सरकार बनाई थी और उसके बाद से ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों को एकजुटता का आह्वान करने के साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की, फिर इस वर्ष पटना में पहली बैठक हुई और उसके बाद विपक्ष की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। तो इन तमाम नीतीश कुमार के जो प्रयास थे इन प्रयासों के बाद अब लालू यादव का यह बयान नीतीश के उस सपने को एक तरीके से तोड़ने वाला है जिसमें उनके संयोजक बनने की अब तक बातें कही जा रही थी और अब यह संयोजक का एक अलग फार्मूला लेकर इंडिया आएगा जिसमें तीन चार राज्यों के लिए अलग अलग संयोजक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।